नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय सीपीआई कार्यालय में हूं। हमारे साथ हैं महागठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार अवधेश कुमार राय। क्या रहेगा इस बार मुद्दा अवधेश जी? देखिए, बेगूसराय में मुद्दा तो उसकी कमी नहीं है। यहाँ के नौजवान को रोजगार नहीं है, जबकि यहाँ कारखाने का एक बड़ा बृहद स्कीम हमारे औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे हैं। यहाँ के किसानों की खेती नहीं चल रही है। यहाँ के उन मजदूरों को, जिन मजदूरों ने मनरेगा में काम किया, दो दो साल से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ के नौजवान कारखाने से लेके जहाँ भी नौकरी में जाते हैं, उनको नहीं मिल करके बाहर से ठग पचीसी करके कम मजदूरी दे के नौजवान को बुला के काम दिया जा रहा है। इसलिए रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल बेगूसराय में दिनकर, विश्वविद्यालय का सवाल, और खेती और किसानी में लाभदायक खेती कैसे बने, सिंचाई और अन्य व्यवस्था का सवाल है। इन सवालों को लेके हम मैदान में हैं और हम बेगूसराय ज़िला, जो पिछले कई वर्षों से वंचित रह गया सारे विकास के काम से, उसको विकास की गाड़ी के साथ जोड़ें। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, वो बेगूसराय के सांसद भी हैं वर्तमान में और केंद्र में मंत्री भी हैं, एकदम से क्या लगता है कि वो मुकाबला उनके सामने किस तरह से आप कर पाएंगे? रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। देखिए, मैं किसी नाम की चर्चा नहीं करूंगा। हम लोगों का सैद्धांतिक सवाल है जी। हम किन्हीं के नाम पर कोई राजनीति नहीं करते। बेगूसराय जिला की जनता पूछना चाहती है, 5 साल में क्या मिला। अच्छा, ये रहेगा, ये पूछना चाहती है। हम नहीं पूछना चाहते हैं, जनता पूछ रही है। और इसलिए बेगूसराय की जनता ने ही फैसला कर लिया है कि अब गंगा पार नहीं जाने देना है। तो आप लोग बाहरी और बेगूसराय का मुद्दा बनाएंगे इसको? हम नहीं बना रहे हैं, जनता कह रही है कि गंगा पार जाए देवे। अब रीदा हमर बेटा हमरा धरती पर रहते, वही कह रहा है, हम थोड़े बना रहे हैं। जातीय गणना हुई है बिहार में, क्या लगता है इसका असर भी दिखेगा? जातीय गणना का असर दिखेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, जातीय गणना का असर तो दिखना ही है, क्योंकि जो गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, वो आरक्षण को समाप्त करने की नीति पर चल रहे हैं। ये महागठबंधन को गौरव है, 17 महीने के अपने शासनकाल में उसने जातीय गणना करके हकीकत को सामने में लाया। जो वंचित, अति पिछड़ा, दबे कुचले लोग थे, जिनकी लड़ाई हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनने के साथ साथ चला रहे थे, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए उनका हक मिलना चाहिए। वो जब तक जातीय गणना नहीं होती तो नहीं होता। आप ओबीसी समाज से आते हैं? हम आते हैं ओबीसी समाज से। बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, अवधेश कुमार राय को लेकर कंफ्यूजन है। राय बोल रहे, एक बार विधानसभा के अंदर भी ये कंफ्यूजन हो गया। हम बोल रहे थे तो किसी ने कहा आप सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, तो हमने कहा आपसे सर्टिफिकेट नहीं, भाई यादव हम है, काहे सामाजिक न्याय के विरोधी हो गए? सामाजिक न्याय के विरोधी नहीं, बल्कि मैं बता दूँ, गाँव में अपने खास मोहल्ला में पहली लड़ाई मैंने मोची टोल से शुरू किया था। उसकी इज्जत, सम्मान और न्यूनतम मजदूरी उसको मिले, इस हक को लेकर। पहली बार किसी ओबीसी समाज को संसदीय चुनाव में सांसद का प्रत्याशी बनाया है, सीपीआई ने आपको बनाया। देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी को ही गौरव प्राप्त है। अच्छा, कि कम्युनिस्ट पार्टी ने धरती पर काम करने वाले, दलितों कमजोर वर्गों के लिए लड़ने वाले और दलित कमजोर के हक की हिफाजत करने वाले और जाति धर्म से ऊपर उठ सकता है
पिछड़ों और दलितों के लिए लड़ने के बावजूद भी सबको समरसता के साथ ले जाने वाले वैसे बेटा अवधेश कुमार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मुकाबला जोरदार होगा? मुकाबला होना ही है, और मुकाबला जोरदार नहीं, ऐसी पटकनियाँ इंडिया गठबंधन मारेगा कि शायद उठ के पानी पीने का होश रहेगा कि नहीं, क्या नाम उसकी। तो पानी पीने का होश रहेगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से ओबीसी समाज से आने वाले अवधेश कुमार राय को सीपीआई ने बेगूसराय में सांसद प्रत्याशी बनाया है, इसका असर भी आने वाले समय में चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।